हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आने वाले नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कराया गया है, जिसमें टॉप 50 आज की क्लास में मैं करा रहा हूँ। अगर ऐसे ही आप और टॉप 50 के वीडियो चाहते हो तो नीचे यस सर और 50 आप लिख देना, तो मैं अगली वीडियो जो है इसकी सीरीज की ले आऊँगा। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने अपने यहाँ अपने नागरिकों को बोला गया है कि आप जो है फॉरेन करेंसी जो है इंडिविजुअल को एक लिमिटेशन लगा दी गई है, इससे ज़्यादा आप जो है नहीं रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो लिमिट लगाई गई है वो 10,000 से 15,000 के बीच रखी गई है, कि आप $10,000 से $15,000 तक रख सकते हो। तो ये कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका अभी बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, जिसके कारण इन्होंने जो है लिमिटेशन लगा दी है। यहाँ से आप आंसर भी देख सकते हो, श्रीलंका ने है जो है लिमिट लगा दी है फॉरेन करेंसी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको ये बताना है एंथोनी अल्बनेस जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो किस कंट्री के बने हैं। तो देखिए न्यूजीलैंड में बिल्कुल नहीं, ये फीमेल कैंडिडेट हैं वहाँ पे जो कि प्राइम मिनिस्टर है। नीचे आप नाम उनका बता दीजिएगा कमेंट करके। और सोलोमन आइलैंड भी नहीं होगा इसका आंसर, आयरलैंड भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो स्कॉट मॉरिसन पहले के ये रह चुके हैं पीएम, ये इलेक्शन हार चुके हैं स्कॉट मॉरिसन कोविड और भी बहुत सारे कारण से। और नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इमेज आप यहां से देख सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। रिसेंटली US हैज़ डिसाइडेड टू पुट अप विच कंट्रीज नेशनल ऑन मून इन द कमिंग ईयर। तो देखिए आपको जानकर हैरानी होगी, ये US जो है जापान की बहुत मदद कर रहा है, जो कि एक टाइम पे अमेरिका ने जापान पे 2 परमाणु बम दाग दिए थे, एक लिटिल मैन और दूसरा फैट मैन, एक 6 अगस्त को दूसरा 9 अगस्त को। तो फिलहाल जो राइट आंसर है वो है जापान। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। IIT JEE टू गो ग्लोबल, यानी कि अब ये पूरे वर्ल्ड में भी आपको दिखेगा, अलग अलग कंट्री में भी दिखेगा। तो आपको बस ये बताना है कि कितने कंट्री में ये आपको देखने को मिल जाएगा, 10, 15, 25 या 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर जो है आपको दिख जाएगा 25 नेशन, यानी कि 25 अलग अलग देशों में अब आपको IIT के कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, जो कि एक्चुअली IIT एक ब्रांड बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ से जो इंजीनियर बनते हैं आप देख लो, सारे CEO लगभग वर्ल्ड के जो बेहतरीन कंपनियाँ हैं वहाँ पे आपको इंडियन CEO मिलेंगे, चाहे गूगल हो और भी अलग अलग है, माइक्रोसॉफ्ट हो, वहाँ पे आपको इंडियन CEO देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। विच इज़ द वेन्यू ऑफ 25th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। 75वीं जो असेंबली होने वाली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये कहाँ पे होगा? रोम में होगा, पेरिस में होगा, जिनेवा में होगा या न्यूयॉर्क में होगा? तो यहाँ से देख सकते हो आप टेड्रोस की फोटो, WHO के ये चीफ हैं, और ये होगा जिनेवा में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीचे कमेंट करके बताना है आपको जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, नीचे कमेंट करके आप बता दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। यहाँ से आप इमेज देख सकते हो जो बाइडेन की फ़ोटो, इसके अलावा ये फ़ोटो किसकी है, नीचे कमेंट करके आप बताओगे। इस ये जो बीच में मिडिल में आपको दिख रहा है, इन शख्स का नाम क्या है, नीचे कमेंट करके बता दीजिए। ऑफ कोर्स ये PM मोदी हैं। रिसेंटली हाउ मेनी कंट्रीज ज्वाइन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। देखिए 13 कहाँ है, ये रहा B नंबर। 20 का राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको दिख जाएगा IPEF, इसमें कौन कौन से कंट्री जो है शामिल है, चाइना इसमें शामिल नहीं है। RCEP, इसमें आपको देखो चाइना दिखेगा, जापान दिखेगा, साउथ कोरिया दिखेगा, लेकिन इसमें इंडिया आपको नहीं दिखेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। इंडिया ने साइन करी है IIA, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट, किस कंट्री के साथ हम लोगों ने ये साइन करी है, आपको बताना है, जापान, USA, रसिया या फ्रांस? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा USA। यहाँ से देख लीजिए, इंडिया और USA ने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है, ताकि जो है हम लोग एक दूसरे को और ज़्यादा सपोर्ट प्रदान कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, उन्होंने जो है डॉलर पे ही बैन लगा दिया है, कि आप अगर लोकल ट्रेड करते हो, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हो, कोई सामान खरीदते हो या बेचते हो, तो आप डॉलर यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ से देखिए बैन का साइन लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, जर्मनी है या है डेनमार्क? तो इसका जो राइट आंसर है म्यांमार है। आंसी की सरकार को वहाँ पे हटा दिया गया है, मिलिट्री कू किया गया है, मिलिट्री कू वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और मिलिट्री कू के कारण जो है वहाँ पे जो मिलिट्री के ऑफिसर हैं, आर्मी चीफ, उन्होंने
इस पे बैन लगा दिया है। और एक और क्वेश्चन में जाते जाते पूछना चाहूँगा, यहाँ पे आपको डॉलर की इमेज दिख रही होगी, डॉलर पे ये जो शख्स है ना, हमारे कंट्री में आपको महात्मा गांधी दिखेंगे, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना दिखते हैं, तो आपको ये बताना है कि इस शख्स में, ये जो नोट के में है, ये शख्स का नाम क्या है, आप नीचे कमेंट करके इनका नाम ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इंडिया की रैंक कितनी आई है, यानी कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं, 10th, 4th, 1st या 3rd। तो यहाँ से आप रैंकिंग देख लो, यहाँ से आपको दिखेगा पहला नंबर पे यूएसए है, दूसरा नंबर पे भी यूएसए है, लेकिन दोनों एक ही कंट्री है तो 1 काउंट किया जाएगा इनको, तीसरे नंबर पे रसिया है लेकिन यहाँ पे 2nd काउंट किया जाएगा इनको, 3rd नंबर पे आपको फिर से एक बार यूएसए दिखेगा, 4th नंबर पे फिर से एक बार यूएसए आपको दिखेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोग यहाँ पे किससे आगे हैं, हम लोग चाइना से यहाँ पे आ गए हैं, फाइनली हम लोग किसी चीज़ में चाइना से आ गए हैं। तो हम लोगों की जो रैंकिंग है, यहाँ से आप देख पाओगे, वो है 3rd नंबर पे, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3rd, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा, इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। तो देखिए, इंडिया पूरे वर्ल्ड में ये पहली बार हो रहा है कि कहीं पे नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट तैयार किया जा रहा है, तो मोदी जी ने ये कौन से स्टेट में लगाया, राजस्थान में, केरला में, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है, जहाँ पे पीएम मोदी पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उसी स्टेट में इन्होंने जो है यूरिया की, जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट यूरिया आपको दिखेगी, यहाँ पे देख लीजिए नैनो यूरिया प्लांट है, वो आपको दिखेगा गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा, कौन सी कंट्री ने हाल में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FATA साइन कर लिया, शॉर्ट फॉर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। इजराइल ने किसके साथ FATA साइन करी है, यहाँ से आपको इजराइल का झंडा भी दिखेगा, इंडिया के साथ इजराइल के बहुत ही स्वीट रिलेशन रहते हैं। तो देखिए, इंडिया के साथ हम लोगों ने, इजराइल ने साइन किया है, UAE के साथ, चाइना के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ। तो देखिए, इंडिया और चाइना को हटा दीजिए, इनके साथ इन्होंने साइन नहीं करा है, आपको दिख जाएगा UAE के साथ इन्होंने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और आपको यहाँ से एक इमेज दिख रहा होगा, ये इजराइल के एक्स PM रह चुके हैं, इनका नाम है नप्ताली वेनेट, ये हट चुके हैं क्योंकि इनके पास मेजोरिटी नहीं है, सरकार इनकी गिर चुकी है। नवंबर में आपको, अक्टूबर नवंबर के समय में फिर से एक बार इजराइल में चुनाव देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इंडियाज पीरियड मूवी सम्राट पृथ्वीराज, देखिए ये किस कंट्री ने बैन कर दिया है अपने यहाँ पृथ्वीराज को, बोला कि हमारे यहाँ आप नहीं दिखा सकते हैं मूवी। तो देखिए, ये है कुवैत और ओमान, जिन्होंने कहा कि टाटा बाय बाय, यहाँ आप फिल्म नहीं चला सकते हो। यहाँ से आपको इमेज भी दिख जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो अक्षय कुमार की बहुत ही बुरी एक्टिंग हुई थी इस मूवी में, और इसको काफ़ी ट्रॉल किया गया था इंटरनेट पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया एंड डैश हैव साइंड अ विजन स्टेटमेंट विद द एम ऑफ फर्दर डीपनिंग एंड द लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन बोथ नेशन। तो देखिए, इंडिया और किस कंट्री ने जो है एक दूसरे के साथ बहुत डिफेंस कोऑपरेशन साइन करा है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए, तो क्या वो इंडोनेशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर इसराइल है। तो देखिए, यहाँ से आप याद रखिएगा, इंडिया और इसराइल, याद रखिएगा, हम लोगों को इसराइल ने 1990 के वॉर में, यानी कि कारगिल युद्ध, जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया था, उस समय इसराइल ने बहुत मदद करी थी हमारी, जब वर्ल्ड में बहुत सारे कम लोग सामने आए थे, इसराइल उसमें से एक था। तो इसलिए इंडिया और इसराइल हमेशा दोस्त बनकर रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा, विच कंट्री लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट। तो देखिए, ये इंडिया ने करा है, यहाँ से आप पीएम मोदी की इमेज देख सकते हो। देखिए, इंडिया ने एनवायरमेंट फ्रेंडली बनने के लिए नागरिकों को जो है जागरूक करना शुरू कर दिया, अवेयर करना शुरू कर दिया है, आप अपने लाइफ स्टाइल में पॉलीथीन को हटा दो और अच्छे अच्छे हैबिट को लाओ, प्लांटेशन करने की कोशिश करो। तो ये स्कीम पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है, इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट AI। देखिए, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप मोबाइल में, जैसे ही आप अपना रेटिना को देखते हो फ़ोन आपका अनलॉक हो जाता है, या फिर आप फिंगरप्रिंट देते हो तो उससे फ़ोन खुल जाता है, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब देखिए, ड्रोन कैरियर में भी इसका यूज़ किया जाएगा, तो वो कौन सा कंट्री है जिसने ये शुरुआत कर दी है,
इसराइल ने, यूएसए ने, चाइना ने या जापान ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चाइना। देखिए चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए वर्ल्ड को डरने की ज़रूरत है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं, लोगों की सुनी नहीं जाती है, और बहुत सारी इमेजेस तो आप लोगों ने देखी होगी, तेनामेन स्क्वायर पे जो घटना हुई थी, टैंक से एक आदमी को कुचल दिया गया था, और अभी हाल में भी फिर से रोडों पर टैंक ला दिया गया है। आपके बैंक में पैसा जमा है चाइना में, लेकिन आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। तो ये चाइना की डेमोक्रेसी तो नहीं है, डिक्टेटरशिप है, तो इससे बच के रहना होगा पूरे वर्ल्ड को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। किस कंट्री जो है एस्ट्रॉयड ने प्रूव किया है कि इसमें 23 एमिनो एसिड इनको मिला है, एक सैंपल में जो अर्थ पे लाया गया उसमें 23 एमिनो एसिड मिला है, क्या वो जापान है, चाइना है, यूएसए है या फिर वो रसिया है? तो यहाँ से आप देख पाओगे जापान ने ये प्रूव किया है कि 23 एमिनो एसिड इनके सैंपल में मिले थे जो कि अर्थ पे लाए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप नवोदय विद्यालय की प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो, 499 में ये नोट्स आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो तो 100 रुपीज़ में आपको 200 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। इंडिया की जो रैंकिंग है ना, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में ये कितनी रैंक थी? तो आपको जानकर हैरानी होगी, थोड़ा शर्म भी फील होगा कि इंडिया 180 रैंक पे था। टोटल 180 देशों के लिए ही सर्वे कराया गया और इंडिया सबसे नीचे रहा। हम लोगों के यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब है, इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, बहुत पॉल्यूशन फैल चुका है, हम लोग बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं हो रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं और भी बहुत कचड़ा फैला रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ख़राब रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच कंट्री होस्टेड द मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक खान क्वेस्ट 2022? तो ये क्या पाकिस्तान है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है या इसराइल है? तो देखिए ये राइट आंसर शायद मंगोलिया होना चाहिए, मैं देख लूँ एक बार। जी हाँ, मंगोलिया ही है, इसका राइट आंसर क्या है, मंगोलिया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ईरान रिसेंटली साइंड अ मेगा 20-ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ विच कंट्री? तो देखिए ईरान ने 20 ईयर्स के लिए, देखिए बहुत टाइम होता है, 20 साल दो डेकेड का टाइम होता है, तो देखिए दो डेकेड के लिए किसके साथ पार्टनरशिप करी है? तो देखिए दोनों एक ही कंट्री के मारे हुए हैं, वेनेजुएला और ईरान, दोनों पे यूएसए के सैंक्शन लगे हुए हैं, तो दोनों देश मिलकर रहना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने 20 साल का जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर दी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि आपके सामने ये रहा। गवर्नमेंट ने हाल में ही जो है अग्निपथ स्कीम लॉन्च करी है, तो ये किससे रिलेटेड है? इसरो से, आर्म फोर्स से, माइनिंग सेक्टर से या फॉरेन सर्विस से? तो देखिए इसका आंसर इसरो भी नहीं है, माइनिंग सेक्टर भी नहीं है, फॉरेन सर्विसेज भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है आर्म फोर्सेस है, यानी कि आर्मी में, नेवी में और जगहों पे जहां भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, अब अग्निपथ स्कीम से 4 साल तक के लिए वो रहेंगे, उसके बाद 100 में से 25 जो काबिल लोग होंगे उनको रखा जाएगा परमानेंट, अदरवाइज सारे लोगों को सेक ऑफ यानी कि बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू रिक्वायर दैट अ वार्निंग टू बी प्रिंटेड ऑन एवरी सिगरेट? देखिए बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। पहले अगर आप सिगरेट देखे होगे डब्बा में, तो डब्बे के ऊपर में फेफड़ा वगैरह बना होता था, उस पर वार्निंग लिखी होती है कि मत पियो इसे, अदरवाइज आपको कैंसर होने का खतरा है। लेकिन इस कंट्री ने क्या किया है कि अब आप सिगरेट एक भी निकालोगे ना, सिगरेट नीचे से पैकेट से, तो पैकेट सिगरेट के ऊपर भी वार्निंग लिखी होगी हर सिगरेट में, तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। तो आपको बताना है कि ये किस कंट्री ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने, यूएसए ने, कनाडा ने या फिर चाइना ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, यहाँ से आप देख पाओगे कनाडा ने कर दिया है कि अगर आप हर सिगरेट पियोगे तो उसके ऊपर आपको वार्निंग लिखी हुई दिखेगी, लेकिन सिगरेट पे बैन नहीं है कनाडा में, आप सिगरेट पी सकते हो। अगले क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट SRS इंडियाज लाइफ एक्सपेंडेंसी इज नाउ? देखिए आपको ये बताना है कि किस कंट्री में कितने साल तक लोग जीते हैं। तो इंडिया की जो रैंकिंग निकाली गई है SRS के द्वारा, तो इंडिया में लोग कितने साल तक जीते हैं, 61 ईयर, 69.7, 80.50 या 55 ईयर्स? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया में जो लोग हैं ना वो 69.7 यानी कि 69, लगभग आप जो है 70 साल मान सकते हो, लेकिन अभी भी पूरे वर्ल्ड के को अगर एवरेज निकाला जाए तो इंडिया भी बहुत पीछे है, यानी कि हम लोगों की मौत जो है बीच में ही हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। इंडिया ने किस कंपनी पे बैन हटा लिया है? देखिए आप
अपने यहाँ एटीएम यूज़ करते होगे, हर किसी के पास एटीएम आज होगा ही, तो वो वीज़ा होता है, पेपल होता है, मास्टर कार्ड होता है, तो इनके ऊपर ना इंडिया ने एक कंपनी पे बैन लगा दिया था, उसे हाल में ही जो क्या किया है रिमूव कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मास्टर कार्ड। यहाँ से आप इमेज भी देख सकते हो मास्टर कार्ड की, आपके पास ज़रूर होगा इसका एटीएम। एसबीआई पहले मास्टर कार्ड का ही एटीएम देता था, तो मास्टर कार्ड ने इस पे रिमूव कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आप मास्टर कार्ड भी इंडिया में बिजनेस कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज़ प्रपोज्ड अ फ्यूचरिस्टिक प्लान टू लॉन्च अ सोलार पावर प्लांट इन स्पेस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है चाइना। अगला जो भी लड़ाई होगी पूरे दो देशों के बीच में, तो सैटेलाइट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्पेस में जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनेगा, तो चाइना इस पे बहुत नज़र बना रहा है, स्पेस स्टेशन भी उसने बना रखा है, तो चाइना डे बाय डे जो है इम्प्रूव करते जा रहा है स्पेस में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच कंट्री हैज़ रिलीज द मोस्ट डिटेल ज्योग्राफिकल मैप ऑफ द मून सो फार। किसने अभी सबसे अच्छी मैप जो है गूगल जो ज्योग्राफिकल मैप है वो निकाला है मून का? इंडिया ने, चाइना ने, फ्रांस ने या यूएसए ने? तो इसका जो राइट आंसर है यूएसए है, और नासा ने इसकी इमेज को रिवील करा था। सॉरी ये चाइना है, आई एम सॉरी, ये चाइना है। चाइना ने, देखिए मैंने कहा ना स्पेस पे बहुत सारी रिसर्च जो है चाइना कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। और इसने जो है मोस्ट डिटेल मैप जो है मून की चाइना ने रिलीज कर दी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच साउथ एशिया कंट्री हैड टू डिक्लेयर अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्यूल। इस कंट्री में फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है और इसने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? तो देखिए आपको पता ही है श्रीलंका बहुत जूझ रहा है ऐसी चीज़ों से, श्रीलंका में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे उन्होंने डॉलर पे भी जो है लिमिटेशन लगा दी है डॉलर रखने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो श्रीलंका में पेट्रोल की बहुत कमी है। इंडिया इसकी मदद कर रहा है हाल फिलहाल में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। For the first time ever, India has declared to import 47,000 ton of urea from which country? हम लोग यूरिया किस कंट्री से खरीदने वाले हैं? USA, Israel, China या फिर Ukraine? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ से देख सकते हो आप, हम लोग इंडिया यूएस इंडिया जो है यूएस यानी कि अमेरिका से फर्टिलाइजर खरीदेगा किसान को, ताकि फ़ायदा हो फसल उगाने में। एक्चुअली ये पहले रसिया से खरीदा जाता था, लेकिन जब से यहाँ पे वार हो रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो इंडिया जो है यूएसए की तरफ देख रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द लार्जेस्ट केमिकल मैप ऑफ इंटायर मिल्की वे वाज रिसेंटली मेड बाय, ये जो है इसके लिए जो रिसेंटली मेड किसने बनाया है, ये जो केमिकल मैप है वो किस स्पेस एजेंसी ने तैयार किया है? नासा ने, इसरो ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने या जापानीज स्पेस एजेंसी ने? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ से आप देख पाओगे, ये नासा के द्वारा जो है रिलीज की गई थी इमेज, और यही वाला इमेज, यही आंसर मैंने उसमें दे दिया था जो कि उसका आंसर चाइना था। फिलहाल ये राइट आंसर नासा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 5G स्पेक्ट्रम जो कि ऑक्शन होने वाला है, बिकने वाला है, तो ये कितने साल तक के लिए जो है वैलिड रहेगा? अगर आप एक बार लाइसेंस ले लेते हो तो आप 20 इयर्स तक इसे जो है यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट ने निकाला है। देखिए इंडिया में जियो रिलायंस और एयरटेल भी है, इसमें एयरटेल भी इसमें बोली लगाएगा ऑप्शन में। एयरटेल के अलावा इसमें आपको वोडाफोन, आइडिया, VI देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन इवेंट इन 2023 इज इन अ न्यूज दीज डेज, यानी कि ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन इवेंट जो है हाल में ही बहुत खबरों में है। आपको ये बताना है कि ये किस ग्रुप ने प्रपोज किया है, नाटो ने, SCO ने, ब्रिक्स ने या फिर बिम्स्टेक ने? देखिए आप लोगों के लिए एक और टास्क है, नाटो का फुल फॉर्म, SCO का फुल फॉर्म, ब्रिक्स का फुल फॉर्म, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म नीचे बताइए, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कौन से ईयर में फॉर्म हुए थे नीचे कमेंट करके आप बता दीजिए। तो फिलहाल जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, SCO इसका राइट आंसर है, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो संघाई, ये जो आपको यहाँ ये देखिए इमेज आपको दिख रहा होगा, देखिए इसको इंडिया ने भी सपोर्ट करा था, याद रखिएगा इसका तो आंसर बी है ही, और इंडिया ने भी इसे सपोर्ट किया था कि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग चाहते हैं कि टेररिस्ट और भी जो चीज़ें हैं उस पर जो है हम लोग एक साथ आएँ,